ओके तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन इंजीनियरिंग, चेंजिंग द वे टू लर्न इंजीनियरिंग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का लेक्चर नंबर 6। आज का टॉपिक है वेंटिलेशन, देन उसके बाद पढ़ेंगे आर्चेस। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीफ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम श्रेयान जायसवाल है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडीज ऑन इंजीनियरिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर अपडेट मिलती जाए। अब कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे वेंटिलेशन, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, फिर पढ़ेंगे हम आर्चेस के बारे में, फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च, फिर टाइप्स ऑफ आर्च के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या वेंटिलेशन क्या होता है। वेंटिलेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि क्या होता है कि फ्रेश एयर बिल्डिंग के अंदर आती है और जो बेकार एयर होती है वो बिल्डिंग के बाहर हम इसे कर देते हैं। कैसे, क्योंकि वेंटिलेशन क्या होता है पढ़ लेते हैं। वेंटिलेशन मूव्स आउटडोर एयर इनटू अ बिल्डिंग और अ रूम, मतलब ये क्या करती है कि आउटडोर एयर को बिल्डिंग और रूम में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एंड डिस्ट्रीब्यूट एयर विद इन द बिल्डिंग और रूम, फिर क्या करती है उसी एयर को पूरी बिल्डिंग के अंदर या एक रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब इसका जनरल पर्पज क्या होता है, जनरल पर्पज ये होता है कि हेल्दी एयर हमारे घर के अंदर आए और पॉल्यूटेंट एयर जो है वो घर से बाहर चली जाए। यही मैंने यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब देखते हैं वेंटिलेशन के कुछ टाइप्स। तो वेंटिलेशन तीन टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल वेंटिलेशन, दूसरा होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन, देन तीसरा होता है हाइब्रिड और मिक्स मोड वेंटिलेशन। तो पढ़ते हैं नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में। तो नेचुरल नाम से आपको लग रहा है कि यह नेचुरल वेंटिलेशन है, मतलब नेचुरल चीजें यूज होगी, मतलब डन बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड और एयर। क्या चीज, विंड होगी या तो फिर एयर के थ्रू क्या होगा वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा कि देखो समझो कि ये जो ब्लू चीज है, ब्लू एरो है ना, जो वो क्या है फ्रेश एयर है, और जो रेड एरो है वो पॉल्यूटेंट है, थोड़ी सी पॉल्यूट हो गई है। तो क्या होगा कि ये ब्लू एरो से क्या होगा, मतलब ये फ्रेश एयर अंदर आएगी यहाँ पर, फिर जो बेकार एयर जो होगा कि पॉल्यूट हो जाएगी एयर वो यहाँ से बाहर भी निकल जाएगी और यहाँ से ऊपर छत पे से बाहर हो जाएगी। फिर जैसे कि फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ पर्सन खड़े हुए हैं, कोई भी खड़ा हुआ है, तो यहाँ से फ्रेश एयर आएगी, ये फ्रेश एयर ले लेंगे, फिर जो पॉल्यूटेंट एयर निकलेगी यहाँ वो पूरी निकलकर बाहर हो जाएगी। तो ये डायग्राम से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि नेचुरल प्रोसेस कैसे होती है। सेकेंड होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन हम क्या करते हैं, हम एग्जॉस्ट फैन प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल पंखे लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, या तो हम डायरेक्ट विंडो में लगा देते हैं या वॉल में लगा देते हैं या तो फिर एयर डक में लगाते हैं। अब क्या होता है, इससे एयर अंदर भी आती है और एग्जॉस्ट भी करता है एयर को, मतलब गंदी एयर को बाहर भी भेजता है। और यहाँ आपको ये वाली इमेज में दिख रहा होगा, पहली वाली इमेज में, ये इसका प्लान टाइप है, एलिवेशन टाइप है, और ये इसका जो है बिल्कुल 3D व्यू में दिया हुआ है। तो एलिवेशन में क्या चीज बता रखी है कि कैसे अंदर आती है एयर और कैसे ये मैकेनिकल वेंटिलेशन वर्क करता है। फिर अब ये दिख रहा है आपको ऊपर, आपने फैक्ट्रीज के ऊपर देखा होगा वो गोल गोल चीज घूमती रहती है, तो वो कुछ नहीं होता, वो मैकेनिकल फैन होता है डक्ट के ऊपर जो लगाया होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको क्या ज्यादा गर्मी ना लगे, और क्या उनका जो पॉल्यूटेंट जो, मतलब जो हम वाक काम कर रहे हैं उसका जो गर्मी निकलते हीट वो बाहर भी निकल जाए और जो वर्कर काम करने को तकलीफ भी ना हो काम करने में, इसलिए। अब थर्ड चीज आती है हाइब्रिड और मिक्स मोड वेंटिलेशन। अब हाइब्रिड मतलब क्या होता है, हाइब्रिड मतलब मिक्स, मतलब दो चीज का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये क्या है कि नेचुरल भी होगा और आर्टिफिशियल भी, मतलब मैकेनिकल भी होगा, नेचुरल होगा और इसके बाद मैकेनिकल भी होगा, मतलब ऐसी जगह पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन बहुत कम आता है या कुछ दिनों नहीं आता वेंटिलेशन, गर्मी के समय में नहीं आता वेंटिलेशन, ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं। अब इससे क्या होता है कि नेचुरल वेंटिलेशन तो देते ही हम, और फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन भी दे देते हैं, तो क्या होता है कि एयर का फ्लो रेट जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, पूरे घर के अंदर एयर का जो फ्लो रेट होता है ना वो बढ़ के डबल हो जाता है, जितना नेचुरल से आ रहा है अपन ने मैकेनिकल लगा लिया तो उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये समझने की बात ये है कि नेचुरल भी होगा इसके अंदर और ये मैकेनिकल वेंटिलेशन भी होगा यहाँ पर, इसी को बोलते हैं हम हाइब्रिड या मिक्स मोड वेंटिलेशन। अब ये चीज की बात करेंगे हम आर्च के बारे में। तो आर्च इज एन आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग अ कर्व्ड मेंबर दैट यूज टू स्पान एन ओपनिंग एंड टू सपोर्ट द लोड फ्रॉम अबाव। मतलब क्या होता है कि एक स्पान प्रोवाइड करती है आर्च, और आर्च क्या करती है एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, और एक सपोर्ट मतलब लोड भी केयर करती है आर्च। आर्च फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब आर्च दिखती कैसी है,
कुछ इस प्रकार की आंच दिखती है, ये पूरा आंच नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतने इतना जो हिस्सा है ये, इसको आंच बोलेंगे। अब आंच के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, आंच का मतलब टाइप्स नहीं, आंच के कुछ पार्ट्स होते हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो जो ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हंस, और जो ये बाहर सबसे बाहर दिखता है ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं, ये जो यहां से दिखता है ये, इसे हम बोलते हैं क्राउन। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं की स्टोन। क्या बोलते हैं दोस्त? की स्टोन बोलते हैं। फिर उसके पास वाला पार्ट क्या बोलते हैं? वॉजियर बोलते हैं। क्या? वॉजियर, ठीक है। फिर जो ये वाला पार्ट होता है ये जो ऐसा दिख रहा है इसे बोलते हैं एक्सारोस, एक्सारोस। फिर जो एक्सारोस के नीचे वाला पार्ट वाला नीचे वहां उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंजर। और जो स्प्रिंजर के भी बाहर वाला पार्ट होता है, जो स्प्रिंजर के भी बाहर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम इम्पोस्ट। क्या बोलते हैं? इम्पोस्ट। फिर जो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं हम राइस, और राइस पे जो एक लाइन जा रही है लाइस से उसे बोलते हैं स्प्रिंगिंग लाइन। स्प्रिंगिंग लाइन मतलब यहां से आज हमारी स्टार्ट हुई है। अभी आपने देखा एक्स्ट्रा डोज, उसके अंदर की वैसा ही एक अंदर भी होता है उसे बोलते हैं इंट्रा डोज। तो ये थे आज के कुछ मतलब कंपोनेंट्स, ये आपको जानना जरूरी है अगर आपको समझना अच्छे से। तो अब देखेंगे आज के टाइप्स। आज कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ शेप, नंबर ऑफ सेंटर्स, वर्कमैनशिप एंड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब आज जो होती है शेप से भी क्लासिफाई होती है, नंबर ऑफ सेंटर मतलब उसमें कितने सेंटर है उससे भी हम क्लासिफाई करते हैं, देन वर्कमैनशिप से भी क्लासिफाई करते हैं कि मतलब कैसा उसमें कार्य किया हुआ है, कैसा उसमें हमने मतलब कुछ ऐसा दिया हुआ है, कैसा हमने इसका डिजाइन किया हुआ है। फिर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि हमने ब्रिक की बनाई है आज या स्टोन की बनाई है, इसके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे हम आज का क्लासिफाई करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्च बेस्ड ऑन शेप। तो शेप के बेस पे आर्च पांच प्रकार की होती है, पर हम यहाँ पर 10 टाइप की होती है, पर वैसे हम यहाँ पे पांच प्रकार की ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। अब पहली होती है फ्लैट आर्च, दूसरी होती है सेगमेंटल आर्च, तीसरी होती है सेमी सर्कुलर आर्च, चौथी होती है पॉइंटेड आर्च, और फिफ्थ होती है हमारी एलिप्टिकल आर्च। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्लैट आर्च के बारे में। तो फ्लैट आर्च मतलब क्या होता है? आर्च जो होती है वो फ्लैट होती है, मतलब जो उसका इंट्राडोज होता है। क्या क्या चीज? इंट्राडोज होता है जो आर्च का, वो फ्लैट होता है, जैसा कि आपको इमेज में यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये कैसा वर्क करता है? ये बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा वर्क करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस जो होता है ना वैसा वर्क करता है। और ये हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है 600 डिग्री बाय स्क्यूब एक्स। स्क्यूब एक्स से ये क्या करता है? 600 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब इसका इंट्राडोज क्या फ्लैट होता है, पर ये थोड़ा सा राइज करता है, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ होता है 10 से 15 मिलीमीटर का, ठीक है ना, पर मीटर विड्थ पर ये 10 से 15 मीटर क्या होता है? उठा हुआ होता है, ठीक है। फिर एक्स्ट्राडोज इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल फ्लैट, मतलब इसका जो एक्स्ट्राडोज होता है ना वो भी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, वो फ्लैट होता है। और ये क्या होता है कि ये लाइट लोड के लिए काम करती है। क्या होता है कि जब यहाँ पे हमको घर पे लाइट लोड चाहिए किसी जगह पर, तो हम इसे फ्लैट आर्च बना सकते हैं। और इसका स्पान कितना होता है? 1.5 मीटर का स्पान होता है। अब बात करते हैं सेगमेंटल आर्च के बारे में। तो सेगमेंटल आर्च क्या होती है? दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ आर्च यूज फॉर बिल्डिंग विच द सेंटर ऑफ आर्च लाइज बिलो द स्प्रिंगिंग लाइन। मतलब इसका जो सेंटर होता है ना आर्च का, वो स्प्रिंगिंग लाइन के बिलो मतलब नीचे होता है। और फिर सेगमेंटल आर्च क्या होती है? थ्रस्ट जो होता है ना वो ट्रांसफर होता है इंक्लाइन डायरेक्शन में, ठीक है। देन सेमी सर्कुलर आर्च, इसके नाम से दिख रहा है कि ये सेमी सर्कुलर होती है, आधा सर्कल बनता है। उसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है? एग्जैक्टली स्प्रिंगिंग पे ही सेंटर लाई करता है, ठीक है। अब होती है पॉइंटेड आर्च। पॉइंटेड आर्च को हम गोथिक आर्च भी बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब गोथिक तरीके से दिखती है। और क्या होता है कि ना एक जितने भी आर्च के पॉइंट होते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, जैसे कि एक ये पॉइंट, 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 ऐसे बहुत सारे मतलब दिख रहे होंगे लाइन वाइज, एक दो तीन चार बहुत सारे ऐसे दिख रहे होंगे। फिर क्या होता है, ये सारे पॉइंट जो होते हैं ना, ये मतलब सारी जो लाइन होती है ऐसी, एक कर्व दिख रहा होगा, ये कर्व 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 कर्व,
अब ये क्या होता है कि सारे यह एक पॉइंट पर लाया करता है, सारे कर्व क्या होता है एक पॉइंट में आके टच करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंटेड आर्च बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर सारे जो इस ये जो होते हैं ना कर्व वो सारे एक पॉइंट पर आ जाते हैं, और इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है इसलिए हम इसे गोथिक आर्च बोलते हैं। ठीक है, देन होता है सेमी इलेप्टिकल आर्च। सेमी इलेप्टिकल आर्च में क्या होता है, इसमें कभी कभी थ्री सेंटर भी हो सकते हैं या फाइव सेंटर भी हो सकते हैं, और ये सेमी इलेप्टिकल जैसे दिखते हैं, मतलब आधा इलेप्टिकल शेप बनता है, पूरा नहीं बनता है। अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्चेस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेंटर। तो क्या होता है, वन सेंटर आर्च भी होती है, टू सेंटर आर्च होती है, थ्री सेंटर आर्च होती है, फोर सेंटर आर्च होती है, मतलब आर्च के दो सेंटर हुए तो टू सेंटर, वन हुआ तो वन सेंटर, थ्री हुए तो थ्री सेंटर, फोर हुए तो फोर सेंटर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो वन सेंटर आर्च क्या होती है, जिसमें कि एक सेंटर होता है और उसी के थ्रू हमने पूरी एक आर्क बना दी, मतलब कि यहाँ पे सेंटर रखा राउंडर का, फिर हमने एक रेडियस ली है ना, यहाँ से रेडियस ली इतनी यहाँ तक, और फिर हमने पूरी ऐसी आर्च ऐसी आर्क बना दिया, तो उसी को बोलेंगे हम वन सेंटर आर्च। ठीक है, अब बात करते हैं टू सेंटर आर्च की। तो इसके दो सेंटर होंगे और ये पॉइंटेड आर्च भी हो सकती है, क्योंकि दो सेंटर होंगे तो कोई एक पॉइंट पर ही मिलेंगे। ठीक है ना, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि समझ लो कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट हो गया। दो सेंटर कैसे होते, पहले अपन ने करा यहाँ कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, और फिर यहाँ से अपन ने ऐसा आर्क बना दिया, फिर उस क्या हुआ कहीं एक और पॉइंट लिया, फिर यहाँ से हमने ऐसा आर्क बना दिया, वो दोनों आर्क जहाँ मिलेंगे तो वो पॉइंटेड आर्च भी कहलाएगी और दो सेंटर तो होंगे ही इसके। ठीक है ना, फिर थ्री सेंटर आर्च होती है, तो इसके क्या होते हैं दोस्त, तीन सेंटर होते हैं। पहले हमने क्या करेंगे हम, ये दिख रहा है कर्सर आपको, कर्सर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे जो ओ पॉइंट है, ये वाला ओ पॉइंट पे क्या होगा, ओ से लेके हमने यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली, और फिर यहाँ से एक ऐसी आर्क बना दिया अपन ने। फिर क्या हुआ कि हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, फिर वहाँ पे जो अपने ओ पॉइंट की ओ पॉइंट की लाइन जो मिल रही है, वहाँ से हमने क्या करा एक और ऐसा बना दिया, आर्क बना दी, और यहाँ जहाँ मिल रही यहाँ से भी अपने एक और आर्क बना दी, यहाँ तीनों आर्क मिल जाएगी तो थ्री सेंटर आर्क हो जाएगी, मतलब ये ओ ओ डैश और ओ डबल डैश इसका तीन सेंटर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं फोर सेंटर आर्च की, जिसमें चार सेंटर होंगे उसको बोलेंगे फोर सेंटर आर्च, और इसको टोडल आर्च भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टोडल आर्च, और वेनेटियन आर्च भी इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बेस्ड ऑफ मटेरियल used for construction and workmanship, आर्च में भी क्लासीफाइड है स्टोन आर्च, ब्रिक आर्च और कॉन्क्रीट आर्च। वर्कमैनशिप पे कांच कितने प्रकार की होती है, स्टोन आर्च होती है, ब्रिक आर्च होती है और कॉन्क्रीट की आर्च होती है। तो इसमें क्या हो गया, वर्कमैनशिप भी आ गई और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आ गया। ठीक है, दोनों चीज़ आ गई यहाँ पर। तो पहले होती है रबल आर्च, रबल आर्च क्या होती है, वेरी वीक आर्च होती है, और ये क्या होता है इंफीरियर वर्क के लिए होती है, मतलब इसमें लोड वोड ज़्यादा नहीं लेते हम, इंफीरियर वर्क के लिए होती है, और इसको यूज़ कितना करते हैं, वन इसका क्या होता है स्पान जो होता है वो वन मीटर का ही होता है, और इसमें क्या होता है रबल स्टोन से इसे बनाया जाता है, और रबल स्टोन क्या करते हैं हम हैमर करके इसे ड्रेस करते हैं रफली, तो इसका शेप आता है ना जो, वो भी शेप भी कैसा आता है दोस्त, रफली शेप ही आता है, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर रफ शेप ही आता है इसका, बिल्कुल रफ शेप। ठीक है, और इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। फिर होती है एशलर आर्चेस, एशलर आर्चेस क्या होती है, इस टाइप ऑफ द स्टोन कट इन टू पेरियर शेप, मतलब स्टोन को क्या करते हैं पेरियर के शेप में कट करते हैं। फिर क्या होता है इसको वेज शेप, वेज शेप आपने देखा होगा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वेज बॉन्ड करके तो ऐसा वेज शेप बन जाता है इसका। अब ये 3D में आपको समझ में ढंग से आ नहीं रहा होगा, तो वेज शेप आपको एक बार ध्यान होगा तो चल जाएगा पता। और फिर एचलर स्टोन क्या होता है कि एचलर स्टोन को फ्लैट आर्च बनाने में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर रफ ब्रिक आर्च, तो जो ब्रिक की आर्च होती है उसे बोलते हैं ब्रिक आर्च। क्या होता है कि ब्रिक को हम लगा देते हैं बिना कटिंग के, मतलब यहाँ पर हमने बहुत सारी ब्रिक लगा दी बिना कटिंग करे, यहाँ से आर्च अपनी चालू हुई तो ब्रिक 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 हम बहुत सारी ब्रिक जोड़ते गए यहाँ तक, तो क्या हो जाएगी ये रफ ब्रिक आर्च। अगली है एज्ड ब्रिक आर्च, एज्ड ब्रिक आर्च में क्या करता है कि हम ब्रिक को पहले वेज शेप में कट करते हैं है ना, विद द हेल्प ऑफ ब्रिक एक्स, मतलब ब्रिक के कटर से या ब्रिक का जो होता है
उससे हम क्या करते हैं, ब्रीथ को सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेज शेप में कट करते हैं, उसके बाद हम इसे रफली ड्रेस करते हैं, मतलब बिल्कुल रफली काम होता है, और फिर ये तो आर्च बन जाती है, इसे बोलते हैं एक्स्ड ब्रिक आर्च, ठीक है। देन होती है गेज्ड ब्रिक आर्च, मतलब ब्रिक को क्या करते हैं, पहले तो हम एग्जैक्ट शेप में काटते हैं, जैसा हमें साइज रिक्वायर्ड होता है उसी शेप में काटते हैं, फिर उससे हम जो क्या करते हैं ड्रेस करते हैं, तो उसे बोलते हैं गेज्ड ब्रिक आर्च। पर इसमें एक और चीज बता दूं मैं कि जो ये गेज्ड ब्रिक आर्च होती है, इसमें क्या सिर्फ सॉफ्ट ब्रिक जो यूज करते हैं हम, ठीक है। कौन सी ब्रिक यूज करते हैं गेज्ड ब्रिक आर्च में, सॉफ्ट ब्रिक यूज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर होता है प्रपोज मेड ब्रिक आर्च, तो उसमें क्या होता है कि हम ना आर्च बनाते हैं, मतलब एक साथ तीन आर्च बनेगी, जैसे नीचे एक आर्च बनेगी, फिर एक और आर्च बनेगी, उसके ऊपर एक और आर्च बनेगी। तो ये क्या होता है, इसके पहले आपको आर्च दिखाई, अभी ये एक्स्ड ब्रिक आर्च, वही तीन एक्स्ड ब्रिक आर्च लगा दी यहाँ पे हमने साथ में, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रपोज मेड ब्रिक आर्चेस। देन प्री कास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक आर्चेस, मतलब हमने क्या करा, कॉन्क्रीट ब्लॉक के आर्च को हमने प्री कास्ट पहले से कास्ट कर लिया, उसके बाद क्या करा हमने, ब्रिक की जगह हम कॉन्क्रीट के जो ये प्री कास्ट आर्चेस, मतलब कॉन्क्रीट के ब्लॉक है, उसको हमने आर्च बनाने में यूज कर लिया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, प्री कास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक आर्चेस, ठीक है दोस्त। फिर होता है मोनोलिथिक कॉन्क्रीट ब्लॉक आर्चेस, मतलब हमने कुछ इसमें मोनोलिथिक क्या कुछ डिजाइन दे दी अपन ने, है ना, और क्या होता है कि इन साइड टू, मतलब हमने साइड पे ही बनाया कॉन्क्रीट को, हमने साइड पे बनाया और पूरा हमने मोनोलिथिक स्ट्रक्चर दे दिया इसमें, तो उसी को क्या बोलेंगे, मोनोलिथिक कॉन्क्रीट ब्लॉक आर्चेस, मतलब हमने कॉन्क्रीट के जो ब्लॉक बनाए हैं वो साइड पे ही बनाए हैं, तुरंत और तुरंत ही लगा दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बेसिकली इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और